54,338 रुपये हैं, कितना अंतर है, विषमता है। लेकिन केंद्र सरकार जो है ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का वो जो ढोल फिट रहा है इतने बड़ी विषमता के बाद, इसलिए हम सबों को जरूरत है, बिहार की जरूरत है विशेष राज्य का दर्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार उठ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों इस मांग को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी हो रही है, 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की आज बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर सकते हैं। इसको लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हम लोग शुरुआती दिनों से ही इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2006 से ही इसकी मांग लगातार कर रहे हैं। पहले भाजपा हमारे साथ थी, आज केंद्र में भाजपा की सरकार है तो भी वो लोग हमें विशेष राज्य का दर्जा देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पार्टी के जो युवा विभाग है वो एक संकल्प यात्रा निकालेगी ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके, क्योंकि ये बिहार की जरूरत है। बिहार हालांकि ये कृषि प्रधान राज्य है, फिर भी यहाँ बाढ़ और सूखे का प्रभाव पड़ता है और इसी तरीके की कई अन्य परेशानियां भी हैं जिसको लेकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आए उमेश कुशवाहा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि हमारी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ द्वारा विशेष राज्य दर्जा संकल्प यात्रा शुरुआत की जा रही है, जो केंद्र सरकार के जो बिहार की उपेक्षा के विरुद्ध यह युवा साथी व्यापक रूप से इस अभियान को चलाएगी। पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी 2006 से ही विशेष राज्य की दर्जा की मांग करती आ रही है। हमारा भी स्पष्ट पार्टी का मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है। हम विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए, विभिन्न मंचों के जरिए हम लोग लगातार इस मांग को करते आ रहे हैं। शुरुआती दिनों से भी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था और आप सभी जानते भी किस विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजी गई विशेष राज्य की दर्जा के लिए। उस राज्य केंद्र में सरकार है उनकी, फिर भी विशेष राज्य की दर्जा में आनाकानी कर रहे हैं। जब से बिहार झारखंड अलग अलग हुआ, बिहार का राजस्व जो है 67% आय का स्रोत 67% चला गया झारखंड में, मात्र हम सबों को बिहार में 33%। आबादी देखिए, आबादी हमारा 65% बिहार में और 35% झारखंड में। बिहार जो है मेन कृषि पर ही आधारित रह गया और कृषि में भी अब सबको मालूम है कि कभी दहाड़ आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कभी सुखार आ जाता है, ये हालात है किसानों का। और अभी हाल के दिनों में जाति आधारित गणना कराकर अकरा के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश किया गया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और उसमें जो आप लोग ने देखा कि जो
2 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे है, और देश में ही लीजिए हरियाणा में प्रति व्यक्ति का आय 2,95,000 है, और हमारे बिहार की प्रति व्यक्ति का आय 54,338 रुपये हैं। कितना अंतर है, विषमता है। लेकिन केंद्र सरकार जो है ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का वो जो ढोल फिट रहा है इतने बड़ी विषमता के बाद, इसलिए हम सबों को जरूरत है, बिहार की जरूरत है विशेष राज्य का दर्जा। इसलिए विशेष राज्य के दर्जा पर हमारे युवा साथी युवा प्रकोष्ठ की ओर से इस कार्यक्रम विभिन्न जिलों में दौरा करेंगे, यात्रा करेंगे, और यात्रा के मामले माध्यम में जो कार्यक्रम हैं उस पर विस्तार से रखेंगे लोगों को। बीच में जो केंद्र सरकार का जो उदासीनता रवैया है उस पर इन लोग रखेंगे, और भी बहुत सारे कार्यक्रम विस्तार से हमारे युवा अध्यक्ष भी बताएंगे। इस कार्यक्रम को पार्टी के जो साथी है युवा साथी है इसको हाथों हाथ लिया है, और हम मेरे तरफ से पूरा शुभकामना है पार्टी के साथी युवा साथी को, इनके नीतीश कुमार जो युवा अध्यक्ष हैं प्रदेश के, इनके पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि एक कार्यक्रम